पिछले ही हफ्ते एक नशे में धुत आदमी ने 21 वर्षीय स्टूडेंट की एम्स ट्रॉमा सेंटर के बाहर गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी। ऐसा बताया जा रहा है कि उस स्टूडेंट ने उस व्यक्ति से स्मोक करने को मना करा था, जिस आक्रोश में आकर उस व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका किसी व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो हो सकता है। इंसान जो है बस दो नस्ल के होते हैं, एक होते हैं हरामी और दूसरे दिल्ली वाले। अब कब कोई हरामी दिल्ली वाला बन जाता है और कब कोई दिल्ली वाला हरामजदगी पर उतर आता है, ये पता नहीं चलता। ये दिल्ली की कहानी भी थोड़ी टेढ़ी है। बाहर से देखो तो सीधे साधे लोगों की बस्ती है दिल्ली, लेकिन अंदर एक से बढ़कर एक हरामी छुपा बैठा है। अब ये अंत में क्या साबित होते हैं ये अलग बात है, कम से कम जीते जी तो सब अपने आप को फन्ने खां ही समझते रहे। रोड पे साइड देना तो बहुत दूर की बात है, यहां मोमोज की मेयोनीज ना मिले तो दूसरे की गांड मार ली जाती है। सरदार खान नाम है हमारा, प्यार से लोग हमें टिल्लू बुलाते हैं, यही पड़ोस में रहते हैं त्रिलोकपुरी में। अब पिछले ही दिनों की बात है भाई, हम गए थे अब नाई के पास बाल कटवाने। अब होना क्या था, किसी ने हमसे हमारा कंघा मान लिया, बस फिर हो गई हाथापाई थोड़ी थी। अब इतना तो चलता है, बेचारे को कुछ हुआ नहीं है, ICU में ही है बेचारा, कोई नहीं। अब भाई हमारे बालों का सवाल था, क्या करें। हेलो, अच्छा अच्छा तेरवी है बेचारे की, कोई नहीं आते हैं मिलते हैं वहीं पे, चलो ओके भैया। यार ये क्या कर रहे हो, मूत रहा हूँ साले, दिख नहीं रहा। अरे भैया यहाँ मत मूतो, ये पब्लिक एरिया है यार। क्या आई? कुछ नहीं भैया, आप कल कर। चुप, हजारगढ़ साले का। एक होटल में खाना खाने गया था, गर्मी थी काफी वहां पे, तो कूलर की दो चार पंखुड़ियां इधर कर ली थी, हॉस्पिटैलिटी अच्छी थी उनकी। तो दो तीन सज्जन लोग बैठे थे, उन्होंने पूरा कूलर ही मेरी तरफ कर दिया, फिर जम के खाई हवा। दिल्ली बहुत अच्छा है। ये वीडियो देखने वाले सभी लोगों से दरख्वास्त है कि दिल्ली की गर्मी थोड़ी बढ़ चुकी है, अपने आप को ठंडा रखें वरना डंडा होते देर नहीं लगती। धन्यवाद।